Hello everyone, welcome to Shom's IAS. My name is Shivangi Sharma. And here I'm with the 8th chapter of the 8th class history. So yes, this is kind of the last chapter, I guess. And name of the chapter is the making of the national movement. So इस chapter में हम मतलब जैसे कैसे कैसे हमारे पास national movement बना और कैसे हम लोगों ने 1947 में हम लोग independent हो गए, ठीक है. सो ये पूरा हम discuss करने वाले. सो इस chapter can be a bit lengthy, ठीक है. सो यस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फोटो है जिसमें पुलिस ने टियर गैस छोड़ दिया है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था. मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की रैली चल रही थी तब टियर गैस यानी कि आंसू वाली गैस छोड़ दी ताकि सभी को आंसू आए, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने सारी टेरिटरीज को कन्क्विस्ट किया और अब टेक ओवर कर लिया किंगडम्स के ऊपर, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा कि नए लॉज और नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ब्रिटिशर्स के अंडर. उसके बाद हमने पढ़ा कि पीजेंट्स और ट्राइबल्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे. उसके बाद हमने पढ़ा 19th सेंचुरी में कैसी एजुकेशन थी और वुमेंस की कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी डिबेट्स हुई, ठीक है. उसके बाद कास्ट सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, फिर 1857 की रिफॉल्ट और उसके बाद टाइम. उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई, ठीक है. मतलब क्राफ्ट डिक्लाइन हुआ और इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई थी. सो इन बेसिस पे अब आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, अब इंडियंस ने कैसे ब्रिटिश रूल को डिसकंटिन्यू किया, क्या क्या चीज़ें हुई होगी. बहुत लंबा प्रोसेस रहा था ये, तो चलो पढ़ लेते हैं. द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. देखो जैसे अब मैंशन डेवलपमेंट, जो भी ऊपर डेवलपमेंट हुआ था, इसके बाद एक क्रूशियल क्वेश्चन था कि इंडिया क्या है और इंडिया किसके लिए है, ठीक है. ये क्वेश्चन बेसिकली हर एक लोगों के दिल में था. तब पता चला इंडिया के लोगों का है. इंडिया पे इंडिया के पीपल्स का ही हक है, किसी और का नहीं है. चाहे वो कोई भी क्लास हो, कोई भी कलर से हो, कोई भी उनकी मतलब कास्ट कोई भी हो, उनकी क्रीड कोई भी हो, उनका लैंग्वेज कुछ भी हो और उनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है. इंडिया में सारे पीपल्स, चाहे वो डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, क्लास, लैंग्वेज या जेंडर के हो, ठीक है, वो सारे मिलके इंडिया में रहते हैं. सो और कंट्री, देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज है. कंट्री के सारे रिसोर्सेज के जो हकदार है, जो उनके मतलब जो उनको डिजर्व करते हैं, जिनके वो हैं, जिनको वो बिलोंग करते हैं, वो भी है. कंट्री के रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ कंट्री, राइट. सो बट ये अवेयरनेस, मतलब इसी अवेयरनेस के साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर तो कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है. और लोग कैसे रह रहे थे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब कुछ पे इंडिया का जो है ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था इंडिया के ऊपर. तो जब ऐसी सिचुएशन को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जो कंट्रोल ये लोग कर रहे थे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स, तो अगर यही रहता तो इंडिया इंडियंस का कभी हो ही नहीं पाता. इंडिया हमेशा ब्रिटिशर्स का ही रह जाता है ना. तो ये जो कॉन्शियसनेस थी ये शुरू हुई क्लियरली जब एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई 1850 में, ठीक है. जैसे वो पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई उसके बाद लोगों के अंदर जो है कॉन्शियसनेस बिगिन हो गया था, ठीक है. ज़्यादातर जो थे वो 1870s से लेके 1880s तक के बीच में और ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गई थी, ठीक है. ज़्यादातर ये जो है ये इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई करी, जैसे सच एज लॉयर्स, कुछ इनमें से लॉयर्स थे. और कुछ इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पूना सार्वजनिक सभा और द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. सो इस नाम का ध्यान दो, दैट इज़ पूना सार्वजनिक सभा. सो इसमें सार्वजनिक का क्या मतलब है, सार्वजनिक का मतलब है सभी का. सर्व इज ऑल और जनिक इज द पीपल. सो सभी का है ये, ठीक है. सो जब ऐसे ऐसे नाम लिखे गए, मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा था कि ये किसी कंट्री के पार्ट के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द कंट्री के लिए है, ठीक है. क्योंकि इंडिया के पीपल का जो गोल है वो एक है, चाहे अलग अलग जगहों पर है बट गोल तो एक ही है, राइट, कि हमें ब्रिटिशर्स को छोड़ो, ब्रिटिशर्स से अलग होकर मतलब ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस पानी है. सो ये मतलब एक रीजन, एक कम्युनिटी या एक क्लास का नहीं था, ये सभी पीपल्स का था. फिर ये जो वर्क था ये तभी होता क्योंकि ये जो काम शुरू हुआ इसके बीच में लोगों का जो आइडिया था वो था सोवेरन का. सोवेरन मतलब हम इंडिपेंडेंट हो, किसी आउटसाइडर की इंटरफेरेंस ना हो हमारे हमारे ऊपर, ठीक है. तो जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस थी वो एक की फीचर थी नेशनलिज्म की. मतलब अगर हम पढ़े
तो इंडियन पीपल जो थे वो चाह रहे थे कि एम्पावरमेंट हो और ये जो भी अफेयर हो रहे हैं, ये भी जो चल रहा है, इन चीज़ों का डिसीजन लिया जाए। ठीक है, ब्रिटिश रूल का इतना डिससेटिस्फेक्शन था, राइट, 1870s और 1880s के टाइम पे आर्म एक्ट पास कर दिया गया। व्हाट वाज द आर्म एक्ट? आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स इज सारे जो भी हथियार वॉर के लिए यूज़ किए जाते हैं, सारे इक्विपमेंट्स यूज फॉर द वॉर। ठीक है, सो आर्म एक्ट पास कर दी गई 1870 में, जिसमें इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया कि इंडियंस कोई भी आर्म यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, सेम टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी इनैक्ट कर दिया गया, ताकि लोगों को पता ना चले कि गवर्नमेंट कितने क्रिटिकल हो रही है, वो सारी चीज़ें पता ना चले। इसलिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, मतलब जिसमें लोकल जो लोगों की लैंग्वेज है, यानी कि जो डायलेक्ट्स है, उसमें जो न्यूज़पेपर और जो भी न्यूज़ लोगों तक पहुंचती थी, वो भी पहुंचना बंद कर दी गई। ठीक है, ये जो एक्ट था, इस पर अलाउ कर दिया गया कि जो भी न्यूज़पेपर है, इसमें जो भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है ना, इन सबको ऑब्जेक्शनल बोल दिया कि इन सबको कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा। 1883 में एक मतलब गवर्नमेंट ने एल्बर्ट बिल को पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो बिल था, इसमें बोला गया था कि ब्रिटिशर्स के जो ट्रायल्स होंगे, मतलब अगर कोई भी ब्रिटिशर्स गलती करता है, तो जब उसकी ट्रायल होगी, मतलब जब भी उसके ऊपर केस चलेगा, जब भी लॉ की जब भी कोर्ट में बैठक बैठेगी, तो उसका जो जो उसका मतलब आउट जो उसका रिजल्ट होगा, जो मतलब करना है, उसके साथ क्या होगा, वो कोई भी इंडियन लॉयर नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी यूरोपियन को, यानी किसी ब्रिटिशर्स की जो उसको सज़ा दी जाएगी, वो कोई ब्रिटिशर ही देगा, कोई इंडियन जज उसको सज़ा नहीं दे सकते। और ये चीज़ ना लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कि हम इतने बड़े जज हैं कंट्री के, फिर भी हम इनकी गलतियों पे इनको सज़ा नहीं दे सकते। तो ऑफकोर्स ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, जब ये वाइट अपोजिशन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी बिल उस टाइम पे विड्रॉ की और इंडियन को ज़्यादा अनग्रेड किया गया था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो रेशियल एटीट्यूड्स था, उसको भी हाईलाइट किया कि मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने काला गोरा का ये शुरू कर दिया था। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन। सो जब ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियन हैड बीन फेल्ड सिंस 1880 में, तो फिर भी जो एल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी, वो जो डिज़ायर थी लोगों की, वो उसके खिलाफ जा रही थी। लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज वो पढ़ लिख के क्या करे जब वो उनको सज़ा भी नहीं दे सकते। पढ़ लिख के लोग इतना वो बन गए, तो लोगों ने बोला कि मतलब कुछ भी जो है, उनको कोई रिजल्ट नहीं सुनाया जाएगा उनकी गलतियों का, या उनकी कोई भी उनके लिए कोई भी फैसला नहीं था, वो ब्रिटिशर्स ही लेगा। ठीक है, सो 72 डेलीगेट्स जो थे, वो मतलब ऑल ओवर कंट्री से आए, और बॉम्बे में उन लोगों को लोग मिले। ठीक है, दिसंबर 1885 में, और इसका जो लीडरशिप था, वो दादा भाई नरोजी, फिरोज खान मेहता, बदरुद्दीन तैबाई, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसे ऐसे जो है लोग आए हुए थे बॉम्बे, और मतलब ज़्यादातर लोग जेंट्स में से बॉम्बे और कलकत्ता से थे। ठीक है, नरोजी एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिस्ट थे, जो लंदन में सेटल हो चुके थे। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर भी थे वो, और वो सबसे मतलब काफ़ी जो उनके यंगर नेशनलिस्ट थे, उनको भी वो गाइड किया करते थे। वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जिनका नाम था A.O. Hume। तो उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इंडियंस को साथ में लाने के लिए। ठीक है, तो नेशन कैसे बना? ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस जो है, वो फर्स्ट 20 ईयर में मॉडरेट ही थी। ठीक है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने मेथड पे, बट इस पीरियड में एक ग्रेटर वॉइस की डिमांड हो रही थी, इंडियंस के ग्रेटर वॉइस की डिमांड कर रहे थे, अगर हमें जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अगर इंडियंस चाहिए, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पार्लियामेंट है, उसमें कोई इंडियन होगा ही नहीं, बेसिकली ये मतलब था इसका। तो अगर हमें चाहिए फिर से, तो एक लार्जर वॉइस की उस टाइम पे ज़रूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाए, उनको ज़्यादा पार दे जाए, और उनको मतलब इन प्रोविंसेस पे जो नॉन एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो जो डिमांड थी वो इंडियंस की, वो हाई पोजीशन गवर्नमेंट के, हाई मतलब ये चाह रही थी कि गवर्नमेंट भी हाई पोजीशन में भी उनको रखा जाए, क्योंकि
इंडियंस का तो कोई हाई पोजीशन पे था ही नहीं, तो ये डिमांड रखी जा रही थी कि इंडियंस को हाई पोजीशन में भी रखा जाए। इसी पर्पस के लिए जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसको बनाया गया, और उसमें बोला गया कि इसमें इंडियंस भी होंगे, ठीक है, इंडियंस का भी उसमें वो होगा, सिर्फ लंदन के लोग उसमें नहीं होंगे, ठीक है। जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बढ़ रही थी, बिकॉज अब रेसिज्म भी कर रहे थे तो वो चाह रहे थे कि इसके अगेंस्ट भी हम लड़ाई करें, ठीक है। ज़्यादातर जो जॉब्स है वो वाइट ऑफिशियल्स यानी कि गोरे लोगों के पास थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो इंडियंस हैं उनको कोई भी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो इसके लायक ही नहीं है, ठीक है। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सोच रहे थे कि एक मतलब वो अपनी जो उनकी सैलरी का जो एक मेजर पार्ट था वो भेज रहे थे वो बाहर, मतलब अपनी घरों पे। तो बेसिकली इस तरीके से वो कर क्या रहे थे कि वो इंडिया की जो भी वेल्थ है उसको चुरा के अपने घर ले जा रहे थे, ठीक है। तो ये लोग, हम लोग ये मान रहे थे कि अगर इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ करता रहा इंग्लैंड, फिर तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। तो अगर इंडिया में, अगर इन जॉब्स में इंडियंस लोग रहेंगे तो जो भी प्रोडक्ट है यानी कि जो भी उनकी इनकम है वो ड्रेन, मतलब वेल्थ नहीं ड्रेन होगी, सब कुछ इंडिया में ही रहेगा बेसिकली, है ना। और डिमांड ये कर रहे थे कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना चाहिए, जो आम एक्ट्स है उसको रिपेल कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, और स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम लोगों के पास फिर से आ जानी चाहिए, ठीक है। सो जो अर्ली कांग्रेस थी उन्होंने भी काफ़ी लास्ट नंबर पे इकोनॉमिक इश्यूज खड़े करे थे, और ये भी बोला उन्होंने कि जब से ब्रिटिश रूल आया है तब से ही पॉवर्टी और फेमाइंस हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज उससे पहले कभी फेमाइन आया ही नहीं था, ठीक है। बिकॉज वो इतना सारा सारा लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, और जो पीजेंट्स थे और ज़मींदार थे मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो उनको जो भी चीज़ें वो ना लैंड रेवेन्यू को उनसे ले जा रहे थे। अगर कोई भी फार्मर अपनी चीज़ बेच के अगर 100 रुपये कमाता है तो 100 में से 90 तो वो रेवेन्यू ले जाते थे, तो 10 रुपये से ऑफकोर्स कोई आदमी अपना परिवार नहीं पाल सकता, इसलिए फेमाइंस, इतनी सारी फेमाइंस हमें उस टाइम देखने को मिली थी, और फूड शॉर्टेज भी उस टाइम हो गया था। तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि रेवेन्यू में रिडक्शन हो और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है वो थोड़े कम किए जाए, बिकॉज वो सारा पैसा अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में लगा रहे थे, और इरिगेशन के लिए ज़्यादा पैसा लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स है इसको भी हटाओ, और जो इंडियन जो भी इंडियन लेबरर्स अब्रॉड जाते हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट करो, ये क्या हो रहा है। और जो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के जो लोग हैं, जो लोग फॉरेस्ट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे वो इतना सफ़र कर रहे हैं, उस सफ़र को भी हटाओ, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने बोला था। सो इससे पता चल रहा था कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ब्रिटिशर्स को ये सारी चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, ठीक। सो जो कांग्रेस थी उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप ही नहीं बट ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बिहाफ पे भी चीज़ें बोल दी थी यहाँ पर, है ना। जो ट्राइब्स थे जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उनके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बात कर ली थी। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि पब्लिक पे अवेयरनेस को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे हो रहा है वो कितना अनजस्ट है, ठीक है। जो पब्लिक न्यूज़पेपर्स थे और आर्टिकल्स वगैरह थे उधर पे सारा दिखाया गया कि कैसे ब्रिटिश रूल से हमारी इकोनॉमी ख़त्म की जा रही है, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर भी ये भावना आए, उन्हें भी पता चले कि कितने अनजस्ट है, उनके अंदर भी अवेयरनेस जागे, ठीक है। सो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे, कंट्री के अलग अलग जगहों पे लोगों के अंदर ओपिनियन जगाया गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ फ्रीडम, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई रिस्पेक्ट है नहीं, मतलब फ्रीडम और जस्टिस के लिए वो सिर्फ वो बोल तो रहे थे कि मतलब ठीक है वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें नेसेसरी थी, राइट। सो अब उन्होंने अपने डिमांड्स तो एक्सप्रेस कर रही थी, एंड और उन्होंने गवर्नमेंट को अवेयर कर दिया था कि लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब इंडियंस के दिलों में क्या इच्छा है, ये गवर्नमेंट ने बता दिया था, ठीक है। अब फ्रीडम यानी कि आज़ादी हमारी बर्थ राइट है। 1890s में काफ़ी जो इंडियंस थे उन्होंने क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस का ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है ये सही नहीं है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे कि कांग्रेस उतने अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स ने शुरू मतलब बिगिनिंग कर दी थी कि जो भी रेडिकल ऑब्जेक्टिव और मेथड है वो उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, और इनको लाल बाल पाल बोला गया था, ठीक है।
उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर है ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ये जो भी चीज़ तुम लोग कर रहे हो ये हम लोग इसके हमें पता चल रहा है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि लोगों के बीच में सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क का इम्पोर्टेंस बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लोगों को अपने स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसकी गुड इंटेंशन पे ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बताओ कि उनकी पावर क्या है ना। फिर स्वराज और लोग फिर स्वराज के लिए हमें लड़ाई करनी है, हमें अपने अपने इसके लिए लड़ाई करनी है तो हम लड़ाई भी खुद ही करेंगे, ठीक है। तिलक ने बोला था उस टाइम में, एक स्लोगन बोला था कि फ्रीडम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये पाकर रहूँगा, ठीक है, कि फ्रीडम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये पाके रहूँगा। 1905 में वायसराय कर्जन थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन मतलब कर दिया था। उस टाइम पर बंगाल जो है वो ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो प्रोविंस थी, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स आया करते थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि बंगाल को डिवाइड किया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस है ये चीज़ सही नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम करो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो इधर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब था, कन्वीनियंस क्या रिप्रेजेंट करता था, मतलब ये क्लोजली ब्रिटिशर्स के क्या इंटरेस्ट थे, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल और बिजनेसमैन वो यही चाह रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, बाकी कहीं से जो भी हो जाए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। सो उन्होंने ये भी बोला कि जो नॉन बंगाली एरिया है उसको भी प्रोविंस से हटाओ और गवर्नमेंट को स्प्रेड करो ईस्ट बंगाल और असम के साथ, उसको मर्ज कर दिया गया था उस टाइम पर, ठीक है। परहैप्स जो मेन ब्रिटिश मोटिव थे वो यही थे कि बंगाली पॉलिटिशियंस को मतलब ऐसा बनाया जाए कि बंगाली पीपल उनके खिलाफ चले जाए, ठीक है। जो पार्टीशन था बंगाल का उससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था ऑल ओवर द इंडिया, और कांग्रेस के सारे सेक्शन जो थे वो मॉडरेट थे और जो रेडिकल्स थे सभी ने इसका अपोज करा। ज़्यादातर मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन होने लगी और सभी ने ऑर्गेनाइज करा कि ये जो चीज़ हो रही है ये सही नहीं है और हम मास प्रोटेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, कि हम सारे मिलके तैयारी करेंगे। जो स्ट्रगल था वो अनफोल्ड कर दिया गया और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया, और ये सबसे ज़्यादा तो स्ट्रांग था ये बंगाल में था, और इसकी जो मतलब इतना स्ट्रांग था कि इसकी गूंज बाहर तक जा रही थी, ठीक है। उसके बाद इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी बोल दिया गया, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट था ये बेसिकली जो भी ब्रिटिश रूल है और जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स की तरफ से आती है उसको अपोज करता था और लोगों को सेल्फ हेल्प के आइडिया से इनक्रेज करता था कि स्वदेशी एंटरप्राइज मतलब खुद ही बनाओ चीज़ें और खुद ही उन्हें पहनो, जो बनना है वो सब कुछ खुद बनाओ, अपने खुद से बनाओ, बाहर ब्रिटिशर्स का हम कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। स्वराज के लिए फ़ाइट करने के लिए जो रेडिकल एडवोकेट्स थे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन करा और ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया था। काफ़ी इंडिविजुअल्स जो थे जो अभी सजेस्ट कर रहे थे रेवोल्यूशनरी वायलेंस, कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है कि हम वायलेंस करेंगे बट रेवोल्यूशनरी तरीके इसलिए ताकि रेवोल्यूशन हो, ठीक है। और लोगों ने ऐसा बोला कि ये नेसेसरी हो गया कि हम थोड़ा वायलेंस करें ताकि ब्रिटिशर्स पे हम ओवरथ्रो कर सके। जो ओपनिंग डिकेट्स थे 20th सेंचुरी के उनको और डेवलपमेंट के लिए भी मार्क किया गया। जो मुस्लिम ग्रुप था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का और नवाब्स का वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गया ढाका में 1906। जो लीग थी वो इस बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट कर रही थी और वो चाह रहे थे कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, ठीक है। मतलब वो बेसिकली यही चाह रहे थे कि मुस्लिम्स अलग रहे और मतलब उनके लिए पार्टीशन हो जाना चाहिए। ये जो डिमांड थी ये कंसीड कर दी गई गवर्नमेंट 1909 में। कुछ सीट्स जो थी काउंसिल की वो अब रिजर्व होने लग गई मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम वोटर्स ही थे जो इन मुस्लिम लोगों को मतलब इलेक्ट कर सकते थे। इसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस थे वो गैदर हो गए और उन्होंने पर रिलीजियस हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए उन्होंने फेवर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मीनवाइल कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई 1907 में और जो मॉडरेट्स थे वो अपोज करने लग गए कि जो भी बॉयकॉट्स हैं इनके मतलब वो अपोज करने लगे कि ठीक है इनको यूज़ कर लो। फिर उनको ऐसा लगा कि अगर फोर्स का यूज़ करना है तो इनको तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा अगर हमें इनके खिलाफ जाना है। तो स्प्लिट के बाद जो कांग्रेस थी वो
डोमिनेट हो गई मॉडरेट्स की तरफ से, जो बिल्कुल ही खिलाफ थे, और तिलक भी उन्हीं के साथ थे। ठीक है, सो वो चाह रहे थे कि जो दो ग्रुप्स थे वो बाद में 1915 में फिर से रीयूनाइट हो गए। ठीक है, अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम कांग्रेस, जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन करा। ठीक है, और डिसाइड करा कि वो साथ में काम करेंगे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। ठीक है, अब मास नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसी हुई? 1919 में जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल का, वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, क्योंकि अब मास मूवमेंट शुरू हो गया था। उसमें चाहे पीजेंट्स हो, ट्राइबल्स हो, स्टूडेंट्स हो, वुमेन्स हो, सभी इसमें काम कर रहे थे। ठीक है, फैक्ट्रीज में काम करने उतर गए थे सारे। सर्टेन कुछ ऐसे बिजनेस ग्रुप्स थे जो भी अब बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस का। क्यों? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और उसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी इंडिया में। इसकी वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इंडिया की गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और गवर्नमेंट बदले में जो है टैक्स को इंक्रीज कर रही थी और हर एक इंडिविजुअल इनकम पे और बिजनेस प्रॉफिट्स पे। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और वार सप्लाईज की डिमांड जब इतनी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं, जो जो कॉमन पीपल ही बनाते थे चीज़ें, वो उसका प्राइस भी बढ़ गया और लोग उनको खरीद नहीं पा रहे थे। दूसरे साइड पे जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो मतलब उनके पास बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा था लड़ाई की वजह से, वो वाले बिजनेस ग्रुप जो वॉर इक्विपमेंट बनाया करते थे। ठीक है, जैसे हमने देखा चैप्टर सिक्स में, जो वॉर है उसके मतलब वो इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़्यादा डिमांड करते थे, जैसे जूट बैग, क्लॉथ और रेल्स, जिसकी वजह से इनका जो इम्पोर्ट है वो कम हो गया और कंट्री में ही चीज़ें बननी शुरू हो गई थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो एक्सपेंड होने लग गए ड्यूरिंग द वॉर। जो इंडियन बिजनेस थे उन्होंने भी मतलब और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया ताकि डेवलपमेंट हो सके। जो वॉर थी उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर दिया, जो विलेजर्स थे उनको फोर्सफुली उनको प्रेशराइज किया गया कि तुम जाके शोल्डर बनो, और उनको ये भी नहीं पता था बेसिकली वो करने क्यों करने जा रहे और उनको करवाएंगे क्या वो लोग। तो बहुत लास्ट नंबर में शोल्डर्स जो थे उनको अब्रॉड भेज दिया गया। कुछ तो वॉर के बाद वापस आ गए, बट कुछ वापस नहीं आ पाई, किसी की डेथ हो गई। फिर इसमें क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका के लोग दोनों को अपोज कर रहे थे कि ये जो कॉलोनियल रूल चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ साथ अफ्रीका पे भी राज कर रहे थे। ठीक है, 1917 में ये जो रेवोल्यूशन था, देर वॉज अ रेवोल्यूशन इन रशिया, जिसकी वजह से पीजेंट्स, वर्कर्स और स्ट्रगल्स सभी में ये आइडिया जाग गया कि कैसे सोशलिज्म वर्क करेगा वाइडली। ठीक है, सो ये जो रशियन रेवोल्यूशन है, आप ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब आने वाली क्लास में, विच इज़ क्लास 9th। ठीक है, और जिसकी वजह से भी इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो और ज़्यादा इंस्पायर हुए। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब जब ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे थे तब महात्मा गांधी एक मास लीडर बन गए, मतलब काफ़ी बड़ी जगह के वो लीडर बन गए। जैसे कि सभी को पता है गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए 46 की एज में 1950 में, तब उन्होंने इंडिया में नॉन वायलेंस का मार्च शुरू किया अगेंस्ट द रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन। तो वो ऑलरेडी काफ़ी रिस्पेक्टेड लीडर बन चुके थे इंटरनेशनली, बिकॉज जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने कैंपेन शुरू की, और जिसकी वजह से जो काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप सारे टाइप के इंडियंस भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसीज हो, क्रिश्चियंस हो, या गुजरातीज हो, चाहे तमिल के हो या नॉर्थ के हो, अपर कास्ट के हो, वर्कर्स हो या लॉयर्स हो, सभी ने उनका हेल्प करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने अपना पहला साल इंडिया में ट्रैवल करके गुजारा, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे लोग हैं और उनकी नीड क्या है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ठीक है, उनका जो अर्लीस्ट इंटरवेंशन था वो ये था कि चंपारण का जो उन्होंने सबसे पहले लोकल मूवमेंट करा था, खेदा हो, अहमदाबाद हो, उधर पर वो मतलब खेदा और अहमदाबाद में वो कांटेक्ट में आए राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के साथ, और अहमदाबाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक करी 1918 में। ठीक है, सो अब और कुछ ऐसे मूवमेंट हुए थे 1919 से लेकर 1922 तक, उनके ऊपर अब हम फोकस कर लेते हैं। द रॉयलेट सत्याग्रह। सो 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह के लिए कॉल दी अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट। सो ये जो एक्ट था उसमें बेसिकली एक फंडामेंटल राइट था कि जैसे जो एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है और उसको छीन लिया गया, और पुलिस की पावर, मतलब
पुलिस की जो पावर है वो बढ़ा दी गई बहुत ज़्यादा, और लोगों को बोला कि उनके पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम नहीं है और पुलिस के पास सबसे ज़्यादा पावर है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो सकता था कि 2 सालों के लिए किसी भी पर्सन को जेल में रख दिया जाता जा सकता था बिना किसी एविडेंट और बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। और महात्मा गांधी ने बोला कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डेविलिश है, मतलब शैतानी है, ठीक है। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नॉन वायलेंट अपोजिशन का डे बनाया, ठीक है, तो जिसमें उन्होंने बोला कि हम हड़ताल करेंगे, ह्यूमिलिएशन और प्रेयर करेंगे। उस टाइम पे सत्याग्रह सभा शुरू कर दी गई थी, ठीक है। सो व्हाट इज हड़ताल? हड़ताल का मतलब होता है स्ट्राइक। रोलेट सत्याग्रह के अंडर जो फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था, वो मतलब रोलेट एक्ट जो था वो पहला ऐसा सत्याग्रह था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पूरे इंडिया में जो हुआ था। इसकी वजह से सिटीज़ में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन हो गई। अप्रैल 1919 में काफ़ी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करी और हड़ताल भी करी कंट्री में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी ब्रिचुअल मेजर्स भी लिए थे सप्रेस करने के लिए, और जलियांवाला बाग का इंसिडेंट उनमें से एक इंसिडेंट है, जब जनरल डायर ने मतलब जलियांवाला बाग में मेले लगते थे बैसाखी के टाइम पे, और बैसाखी के दिन इतनी भीड़ थी उस टाइम जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करवा दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे, और इसको एक मैसेकर बोल दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ने एक्सप्रेस करा था उनका दुख और उनका गुस्सा बाय नाइटहुड। उन्होंने बोला कि हम ये जो ब्रिटिशर जो ब्रिटिशर्स का जो क्राउन है इसको इस पे हम नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, और अपनी मतलब खुद अपने ऊपर राज करेंगे, ब्रिटिशर्स की राज हम और नहीं चलने देंगे। तो रॉयलेट सत्याग्रह के टाइम पे जो पार्टिसिपेशंस थे उन्होंने इंश्योर किया कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट बन के काम करें, साथ में मिलकर काम करें ताकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर सकें, ठीक है। और इस टाइम पे महात्मा गांधी ने लोगों को बोला कि लैंड जो है वो उन सभी की है जो इस कंट्री पे वास करते हैं, जो इस कंट्री पे रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी रिलीजन हो, ये कंट्री सभी की है, ठीक है। तो इसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम जो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हर एक कॉज पे। फिर खिलाफत एग्रीटेशन और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? खिलाफत एक इशू था, ठीक है। 1920 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्किश सुल्तान और जो खलीफा थे उनके ऊपर काफ़ी हार्श हार्श ट्रीटी को इम्पोज कर दिया गया। लोग बहुत डर गए थे कि अब पहले जलियांवाला बाग हो गया, उसके बाद जो इंडियन मुस्लिम थे अब वो भी चाह रहे थे कि जो उनके खलीफा है उनको छुड़वा दिया जाए, और ताकि वो कंट्रोल पा सके मतलब मुस्लिम्स के ऊपर। फिर से जो लीडर्स थे खिलाफत एग्रीटेशन का, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, वो विश कर रहे थे कि अब एक फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चले। अभी तक हम जो कोऑपरेशन कर रहे थे मैं उस पर मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो, कि जैसे अभी तक हम रिबेल कर रहे थे कि हम मना कर रहे थे ये सारी चीज़ें ना होनी चाहिए, अब हमने ना नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू कर दिया था जिसमें गांधी जी को सपोर्ट किया गया, और कांग्रेस ने एक कैंपेन शुरू की अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स यानी कि जलियांवाला जो मैसेकर हुआ था, और खिलाफत रॉन्ग और स्वराज की उन्होंने डिमांड करी, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मोमेंटम मिल गया था 1921-22 में। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, काफ़ी लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी और असफ अली, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। जो भी ब्रिटिश टाइटल्स दिए गए थे इंडियंस को उन्होंने वो सारे टाइटल्स सरेंडर कर दिए और बॉयकॉट कर दिया लेजिस्लेचर को। लोगों ने आग जलाकर जो भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाना शुरू कर दिया, जो भी फॉरेन चीज़ें थी उनको जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1920 से 1922 के बीच में जो क्लोथ फॉरेन के जो क्लोथ थे उनमें ड्रास्टिकली फैल आ गया, ठीक है। बट ये अभी तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप थी, अभी तो हमें बहुत कुछ करना था कंट्री को, ठीक है। अब लोगों के क्या क्या इनिशिएटिव थे? काफ़ी केसेस पे जो पीपल्स थे वो ब्रिटिश रूल को मतलब नॉन वायलेंसली ऐसे मतलब नॉन वायलेंसली करने के लिए रेजिस्ट कर रहे थे। कई जगह पे डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स और जो इंटरप्रेटिंग्स थे वो गांधी जी की बातों को आप अपने मैनर में ले रहे थे और अपने ही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने आइडियाज़ लगा रहे थे। मतलब कुछ ऐसे केस हैं कि लोग अपने लोकल ग्रीवियंसिस को मतलब
कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि वो नॉनवायलेंस तरीके से लड़ाई करते थे अपने लोकल ग्रीवेंसेस के लिए, और अपने जो उनके पर्सनल दुख है वो बता दिया करते थे। ठीक है, जैसे खेड़ा गुजरात, वहाँ पे जो पदीदार पीजेंट्स है उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ नॉन वायलेंट कैंपेन शुरू करा ताकि ब्रिटिशर्स वो डिमांड सुने। ठीक है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश और जो इंटीरियर तमिलनाडु थी उधर लिक्विर शॉप यानी कि शराबों की दुकान के बाहर बैठ के लोग मना कर रहे थे कि इधर मत जाओ, लोगों को रोक रहे थे उधर जाने के लिए उन्हीं दुकानों में बैठ कर। ठीक है, दिस इज पिकेट। और गुंटूर में जो कि आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उधर ट्राइबल और पुअर पीजेंट्स ने भी ये चीज़ की फॉरेस्ट सत्याग्रह के लिए कि उनको फॉरेस्ट के अंदर जाने दे, और लोग क्या करने लग गए थे कि लोग अपनी कैटल्स को छोड़ देते थे फॉरेस्ट में ग्रेज करने के लिए, और बदले में जो ग्रेजिंग फी थी वो नहीं देते थे। ठीक है, सो ये जो प्रोटेस्ट था इसकी वजह से जो कॉर्नवालिस स्टेट है उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉरेस्ट का यूज़, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने बोला कि कोई भी फॉरेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। लोग ये बिलीव कर रहे थे कि गांधी जी जो है वो टैक्स भी रिड्यूस करेंगे, फॉरेस्ट के रेगुलेशन को अबॉलिश कर देंगे, सब कुछ गांधी जी कर देंगे। और उन्होंने स्वराज को बोला कि अगर स्वराज लाना है तो उससे पहले गांधी राज चलेगा, गांधी सब कुछ करेंगे और वही सब कुछ एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, सिंध जो भी पाकिस्तान में है मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स वो काफ़ी इंथुजियास्टिक हो गए थे खलीफत कॉल के लिए। बंगाल में भी जो खलीफत और जो नॉन कोऑपरेशन अलायंस था वो उन्होंने भी मतलब कम्युनल यूनिटी बनाना शुरू करी और नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिल गई थी। ठीक है, पंजाब में जो अकाली एगिटेशन था उस टाइम पे सिख्स को लगा कि ये जो करप्ट महंत है इनको हटाना चाहिए, और उन्होंने उनको भी हटाया, और ये महंत जो थे ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो गुरुद्वारा से सारे महंत को भी हटा दिया गया, और जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ज़्यादा आइडेंटिफाई होने लगा इन जगहों पे। असम में जो टी गार्डन्स थे उधर पर गांधी महाराज की जय जैसे नारे लगने शुरू हो गए, और डिमांड बढ़ गई कि उनके जो वेजेस है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस को छोड़ दिया और डिक्लेयर करा कि जो गांधी जी मतलब उन्होंने बोला कि जो कुछ भी होगा वो गांधी जी करवा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली असम में जो भी वैष्णव सॉन्ग्स हुआ करते थे, वैष्णव कौन लोग होते थे, वैष्णव वो लोग होते जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। ठीक है, जो वैष्णव लोग होते थे वहाँ पे कृष्णा के रेफरेंस पे जहाँ जहाँ भी कृष्णा था उधर गांधी राजा को तो रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसी उन्होंने कुछ टाइम में ही भगवान को कैसे एक पर्सन को भगवान बना दिया। ठीक है, पीपल्स महात्मा, महात्मा गांधी तो लोगों के महात्मा बन चुके थे, जैसे हमने अभी भी देखा कि कुछ लोग जो है वो गांधी जी को मसीहा मानने लग गए थे, उन्हें लग रहा था कि वो जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो भी पॉवर्टी हो रही है, सब कुछ वही हटाएंगे। गांधी जी चाह तो ये रहे थे कि यूनिटी बने बट कन्फ्लिक्ट ना हो, क्लास कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो जो भी पीजेंट्स थे वो इमेजिन कर सकते थे कि इन्हीं की मदद से, गांधी जी की मदद से ही ये जमींदार के अगेंस्ट लड़ाई कर सकेंगे। जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है उन्होंने ये सोचा कि अब यही हमें हमारी लैंड प्रोवाइड करवाएंगे, सब कुछ गांधी जी ही करेंगे। काफ़ी टाइम पे जो भी अपनी अचीवमेंट होती थी उनको भी वो सारा क्रेडिट गांधी जी को दे दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब पीजेंट्स ने एक पावरफुल मूवमेंट लिया जो उत्तर प्रदेश में उस टाइम पे, ठीक है, जगह का नाम है प्रतापगढ़, तो वहाँ पे जो है इलीगल इवेक्शन बंद हो गया था टेनेंट्स का, यानी कि उनकी जो लैंड है उस पर दूसरे लोग काम किया करते थे और उनकी लैंड छीन ली जाती थी, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी और वो लोग जीत भी गए। और उन्होंने ऐसा बोला कि ये सब कुछ गांधी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने ही किया, जो किया गांधी जी जो बोल रहे थे वही हो रहा है। सो उन्होंने सारा जो है गांधी जी को फिर से वो दे दिया। ठीक है, कुछ जगहों पे गांधी का नाम लिया जा रहा था ट्राइबल्स और पीजेंट्स के लिए जहाँ पे वो एक्शन ले रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक फोटो है जहाँ पे कैसे गांधी जी जो है वो गांधी जी रथ चला रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू वो जय हिंद का झंडा लेके बैठे हैं हमारी भारत माता के आगे, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, इधर बाकी के हमारे लीडर्स हैं। ठीक है, जो बाकी ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। ठीक है, द हैपनिंग्स ऑफ 1922 से लेके 1929, ठीक है, 7 साल में क्या क्या हुआ। महात्मा गांधी जैसे कि हम लोगों को पता है वो वॉयलेंट के बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो हर चीज़ करते थे बट वो चाहते थे कि वायलेंस ना हो। तो जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के लिए कॉल दी, तब जब फेबररी 1922 का मूवमेंट चल रहा था, तब पीजेंट्स के एक क्राउड ने यानी कि भीड़ ने उन्होंने चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और उस टाइम पे 22 पुलिसमैन की मौत हो गई थी। और
ये इसलिए हुआ बिकॉज़ जो पुलिस मैंस थे उन्होंने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग, जिसकी वजह से लोगों पे गुस्सा आ गया। बट ये जो चीज़ हुआ ये गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बोला कि ये चीज़ें अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मतलब बंद कर दूँगा। ठीक है, कुछ लीडर्स ऐसे थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी बोला कि पार्टी को लड़ाई इलेक्शन के खिलाफ मतलब लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर करा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इतना सिंसियर सोशल वर्क चल रहा था विलेजेस में 1920s के टाइम पे, बट जो गांधीयंस थे वो मतलब अपना बेस तो बना चुके थे। ये प्रूफ हो गया था कि जो सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट है 1932 का, वो लॉन्च होना यूजफुल है। अब यहाँ पे देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट। सो नॉन कोऑपरेशन का मतलब है हम कॉरपोरेट नहीं करेंगे, हम साथ नहीं देंगे, और डिसऑबिडियंस का मतलब है कि साथ तो नहीं देंगे बट उसका अपोजिट करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, दिस इज डिसऑबिडियंस एंड दिस इज नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया था गांधी जी ने बिकॉज वायलेंस होना शुरू हो गया था। ठीक है, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे डैट वॉज मेन 1920s के, जो कि थे राष्ट्रीय सव्यम सेवक संघ, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इन पार्टीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करा कि कंट्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो भी आइडियाज़ है वो हम टीचर्स के थ्रू बाहर निकालेंगे और इनके बारे में मतलब अलग अलग आइडियाज़ ढूंढेंगे। फिर उस टाइम पे जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक नेशनलिस्ट थे भगत सिंह, वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे देखो हमारे पास एक फ़ोटो है जिस पे साइमन गो बैक के झंडे लेके लोग घूम रहे हैं। सो ये क्या हुआ था, 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजी थी जो कि लॉर्ड साइमन ने भेजी थी कि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, यानी कि इंग्लैंड्स डिसाइड करेंगे और उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। सो ये चीज़ इंडियंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई बिकॉज इंडिया का क्या फ्यूचर होगा ये लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे एक भी रिप्रेजेंटेटिव के बिना। तो इस चीज़ को बाइकआउट करते करते हम लोगों ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओगे निशारे, ये के नारे लगाने शुरू कर दिए थे उस टाइम। ठीक है, ये जो डिकेड था ये ख़त्म हुआ कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वराज की फाइट को रिजॉल्व कर दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप चल रही थी। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे बोला कि हम लोग मनाएंगे ऑल ओवर द कंट्री 26 जनवरी 1930 को। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, मतलब लोगों को जो गूंगा है सॉरी जो बहरा है उसको सुनाने के लिए एक बड़ी आवाज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे जो गूंगा है जो बहरा है उनका वो उसको ब्रिटिशों से रिलेट किया गया है। ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ठीक है, और कुछ ऐसे जो कि इस कलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई करना चाह रहे थे। ठीक है, ये जो क्लासेस थी ये वर्कर्स और पीजेंट्स के खिलाफ मतलब कि पीजेंट्स और वर्कर्स और पीजेंट्स क्या चीज़ चाह रहे थे उसके लिए बेसिकली लड़ाई कर रहे थे। इस पर्पज़ के लिए उन्हें लगा कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है वो उन्होंने खोला, और 1928 में फिरोज शाह कोटला ने दिल्ली में इसको खोला था। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु ने एक पुलिस को असैसिनेट कर दिया, उनको मार दिया क्योंकि उस पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया था और उस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने एक बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उनका एम किसी को मारना नहीं था बट उनका एम सिर्फ ये था कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ाई कर रहे, टू मेक डेफ हियर, मतलब वो बहुत ही इग्नोर कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे बट उन्होंने बॉम्ब फेंका और उनको थोड़ा पता चला कि हाँ उनको सुनाई दे गया फाइनली कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को मार्च 23, 1931 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको मतलब मौत की सज़ा दे दी गई, और भगत सिंह की एज उस टाइम सिर्फ 23 साल थी। ठीक है, अब मार्च टू डांडी। देखो पूर्ण स्वराज कभी नहीं आता, अब खुद से तो कभी नहीं आता। ठीक है, इसके लिए लड़ाई करनी पड़नी थी। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर करा कि वो नमक कानून को तोड़ेंगे, सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना और बेचने की मोनोपोली थी कि जो बनाएगा
और बेचेगा वो ब्रिटिशर्स ही होंगे, उनके अलावा और कोई इसको ना ही बना सकता है और ना ही बेच सकता है। महात्मा गांधी कुछ और नेशनलिस्ट के साथ उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज देखो सॉल्ट जो है ना ये खुद तो नहीं बनाएंगे, सॉल्ट तो नेचर बना के देती है, और सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन को चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर हमें फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी है तो सबसे पहले नमक के लिए लड़ाई करते हैं। गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ वो साबरमती से दांडी के लिए गए 240 माइल्स, वो भी पैदल, ठीक है। उन्होंने सारे गवर्नमेंट उन्होंने गवर्नमेंट को तोड़ दिया, उन्होंने गवर्नमेंट का ये जो लॉ था उसको तोड़ दिया, वो सीशोर में गए, उन्होंने नमक बनाया और मतलब उसको यूज़ किया, ठीक है। जब वुमेन ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, देखो कोई भी डाइवर्स डाइवर्स बैकग्राउंड से वुमेंस ने काफ़ी लड़ाई करी है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, चाहे वो यंग हो, बूढ़ी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, रूलर हो या अर्बन हो, कंजर्वेटिव हो या लिबरल घरों से हो, ठीक है। बट स्टिल उनको जो उन्होंने जो है सारा काम करा है, चाहे ब्रिटिश ऑफिशियल हो या इंडियन नेशनलिस्ट हो, उन्हें लगा कि वुमेंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए सारे नेशनल स्ट्रगल में, ताकि फ्यूचर में जो है उनका मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो सुधर सके। उन्होंने अपना घर छोड़ा और उन्होंने लड़ाइयाँ करनी शुरू करी ताकि उन्हें भी इक्वालिटी मिले मेंस के साथ, और उन्होंने लड़ाई भी इक्वली की, और बाद में उन्हें आने वाले समय में इक्वालिटी भी मिल गई थी, ठीक है। सो एक जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो बहुत ही बेस्ट है, उनमें से कुछ बहुत ही बेस्ट हैं, जैसे अंबाबाई कर्नाटका की, जिन्होंने 12 साल की उम्र में शादी कर ली और 16 साल की उम्र में जो है वो विधवा भी हो गई थी। उन्होंने सारे जो फॉरेन क्लोथ थे और जो लिक्विड शॉप थे उनको पिक किया, क्या होता है पिकेट हमने अभी पढ़ा था, कि उनको यूज़ करने के लिए वो दुकानों के बाहर बैठ कर उन्होंने उनको यूज़ करने के लिए मना किया, ठीक है। उदीपी में उनको अरेस्ट करा, काफ़ी टाइम उनको रीअरेस्ट किया गया, जो इसी टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम था उन्होंने काफ़ी स्पीचेस बनाई और काफ़ी मतलब स्पिनिंग सिखाई उन्होंने लोगों को, और प्रभात फेरीज लोग ऑर्गेनाइज करते थे। प्रभात फेरीज में क्या होता था, जैसे सुबह होती थी तो वो ये जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उनको मतलब गाने के थ्रू सुनाते थे। तो जब साल्ट सत्याग्रह चल रहा था तब गांधी जी को भी ऐसा लग रहा था कि वुमेंस को शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो भी अपोज कर रहे थे, बट सरोजनी नायडू ने उनको समझाया कि नहीं, वुमेंस को ये मूवमेंट ज्वाइन करना है क्योंकि आगे भी उन्होंने अपने लिए लड़ाई करनी है। सो इसमें पीजेंस हो, ट्राइबल्स हो या वुमेंस हो, सभी ने लार्ज नंबर पर पार्टिसिपेट किया था, और जो बिजनेस फेडरेशन थी उनको मतलब सॉल्ट इशू के लिए उन्होंने भी पैम्पलेट्स वगैरह उस टाइम पे पब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई करा कि इनको हम क्रश कर सके, काफ़ी ब्रूटल एक्शन उन्होंने लिए अगेंस्ट जो पीसफुल सत्याग्रह चल रहा था, इतना पीसफुल चल रहा था, बट उनको तो करना ही था कुछ। फिर काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को उस टाइम जेल में भेज दिया गया था। ये जो कंबाइंड स्ट्रगल था इंडियंस का और लोगों का, ठीक है, इसमें जब गवर्नमेंट का एक्ट आया 1933 में, प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो जो गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस करा कि ये जो इलेक्शन है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे होंगे 1937 पे। तो कांग्रेस ने उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस जो थी वो कांग्रेस की हो गई थी उस टाइम पे। सितंबर 1939 में दो लोग थे, मतलब 2 साल थे जहाँ पे कांग्रेस ने इन प्रोविंसेस पे यूज़ किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई और फिर हिटलर का इतना जब दावा भड़ गया, क्रिटिकल तरीके से लोगों को मारा था हिटलर, और फिर जो अब तो उस टाइम के लिए लोगों ने बोला कि ठीक है जब तक हिटलर नहीं जाता तब तक हम ब्रिटिशर्स को का साथ दे देते हैं हिटलर को हटाने के लिए। सो यहाँ पे देखो जब ब्रिटिशर्स की बात आई तब हिंदू और मुस्लिम साथ आ गए, जब हिटलर की बात आई तब ब्रिटिशर्स और जो हम लोग जो सिविल डिसओबीडिएंट वाले मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने भी हेल्प करा, ठीक है, एक दुश्मन को हटाने के लिए। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब दुश्मन दोनों का दुश्मन एक हो तो दो दुश्मन भी साथ में मिलकर लड़ाई कर सकते थे, ठीक है, दूसरों के खिलाफ। तो उन्होंने भी हिटलर के खिलाफ उस टाइम पे साथ में मिलकर लड़ाई करी थी, बट उन्होंने हेल्प करी, बट इन रिटर्न वो लोग ये बोल रहे थे कि इस वॉर के बाद जो है इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा और ब्रिटिशर्स उनसे उनको छोड़ के चले जाएंगे इंडिया को छोड़ के, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, और क्या किया कि कांग्रेस ने अपनी सारी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने बोला कि हमें मिनिस्ट्रीज ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वीर लखन नायक को हैंग कर दिया गया था,
बाजी मोहम्मद जो कि प्रेसिडेंट थे नबरंगपुर कांग्रेस की ओडिशा 1930s में, तो अगस्त 25 में 19 लोग मर गए बिकॉज पुलिस ने ओपन फायरिंग करी पापरंदी और नबरंगपुर में, काफ़ी लोग मर गए और 300 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो इंजर्ड थे, काफ़ियों को जेल में भी डाल दिया गया। उनमें से एक थे वीर लखन नायक जिनको उस पर फांसी पे चढ़ा दिया गया था। नायक बाजी है जो है वो बताते हैं कि उनको कोई भी डर नहीं था कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। उनको दुख, उनको बुरा सिर्फ इस चीज़ का लग रहा था कि मैं देख नहीं पाऊंगा, जब इंडिया की फ्रीडम होगी जो खुशी होगी वो मैं नहीं देख पाऊंगा, बस इस चीज़ का उनको डर मतलब बुरा लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी थे। फिर आते हैं बोस एंड INA, बोस यानी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी। तो एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे सुभाष चंद्र बोस, जो जिसमें मतलब उनकी जो भी सोशलिस्ट लीडिंग थी, वो गांधी जी के आइडियल्स को वो मतलब अहिंसा को वो नहीं फॉलो करते थे, उनको वायलेंस पसंद नहीं थी, बट वो नॉन वायलेंस की वो को भी अवॉइड करते थे। बट वो गांधी जी को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको फादर ऑफ द नेशन बोला था। ठीक है, January 1941 में उन्होंने मतलब वो चुपके से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो सिंगापुर चले गए जर्मनी के थ्रू, और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स और यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया ताकि वो इंडिया को फ्री कर सके ब्रिटिश कंट्रोल से। 1944 में जब INA ने ट्राई करा इंडिया में जाने के लिए इम्फाल और कोहिमा के थ्रू, बट वो कैंपेन फेल हो गया था और INA के जो मेम्बर्स थे उनको सभी को जेल में डाल दिया गया और काफ़ियों के खिलाफ जो है मतलब केस वगैरह चले थे उस टाइम पे। पूरी कंट्री के अक्रॉस जो है लोग लाइफ के लिए रो रहे थे और फिर INA के ट्रायल्स भी फेस हो गए थे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्विट इंडिया एंड लेटर, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक नया फेस बनाएंगे जहाँ पे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक नया फेस बनाएंगे। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीच का मतलब मिडल सेकेंड वॉर चल रही थी उस टाइम पर उन्होंने ये सब कुछ किया। जब ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया को इमिडिएटली क्विट करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा बोला करो या मरो, बट सब कुछ नॉन वायलेंटली ही होगा। उन्होंने बोला कि हम नॉन वायलेंटली लड़ाई करेंगे। गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, बट क्योंकि मूवमेंट स्प्रेड हो चुका था तो लोगों ने एक मतलब लीडरलेस उन्होंने एक वो किया, मतलब सब कुछ वो कर ही रहे थे बट लीडर नहीं था उनके पास, बट कोई बात नहीं। जो पीजेंट्स थे और जो यूथ थे जो भी पढ़ रहे थे उन्होंने भी ज्वाइन करा, सारे कम्युनिकेशंस और सिंबल्स जो थे स्टेट अथॉरिटी के उन पर अटैक कर दिया गया और उन्हें तोड़ दिया गया ऑल ओवर द कंट्री। काफ़ी जगहों पर लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था इस चीज़ का ब्रिटिशर्स ने किया कि इनको दबा दो, सभी को दबा दो, किसी को मतलब कुछ भी करके इनको मार दो। बट एंड नाइनटीन जब 1943 का एंड आ रहा था तब 9,000 लोग जो है वो अरेस्ट कर दिए गए थे और 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और 1,000 लोगों को मार दिया गया था पुलिस फायरिंग के थ्रू। काफ़ी जगहों पे ऑर्डर्स दे दिया गया था कि मशीन गन चला दो एयरप्लेन से, और बट रिबेलियन हुआ। ठीक है, बट फिर भी राज जो है वो नीस पे आ गया था, राज नीस पे आ गया था, मतलब ब्रिटिश राज घुटनों पर आ गया था। अब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। मीनवाइल 1940 में मुस्लिम लीग उन्होंने एक डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट, वो मुस्लिम्स के लिए दे दो, पार्टीशन कर दो और अलग कंट्री बना दो, अलग स्टेट्स बना दो हम लोगों के लिए। बट ये जो रेजोल्यूशन था ये पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं था, मतलब ये क्या बोल रहे थे, पार्टीशन बनवाओ या पाकिस्तान बना दो, इनका कुछ बोलने का मतलब यही था। लीग एक ऑटोनॉमस अरेंजमेंट क्यों चाह रही थी मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो इनका हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे इन बॉक्सेस को। लेट 1930s में जो लीग थी उन्होंने मुस्लिम को एक सेपरेट नेशन की तरह देखना शुरू कर दिया था हिंदूज में, कि हिंदू अलग रहेंगे और मुस्लिम्स अलग रहेंगे। ठीक है, इसमें जो है जब डेवलपिंग नेशन हमारा डेवलप हो रहा था इस टाइम पे उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स को अलग अलग हो जाना चाहिए। ज़्यादातर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस है 1937 के, उसमें कन्विंस किया गया कि मुस्लिम के जो लीग है वो माइनॉरिटी है, मतलब वो कम है, तो उनको ना सेकेंड फिडल ही मिलेगा डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तो वो उनका सेकेंड ही रहेगा, प्राइमरीली वो लोग नहीं रहेंगे।
इसलिए उन्होंने बोला कि हमें एक अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी ये चीज़ कि जो ये लीग बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला था भले कि हम तुम्हें कंट्री का थोड़ा सा पार्ट दे देंगे रहने के लिए, बट पार्टीशन नहीं करेंगे, है ना। बट स्टिल मुस्लिम के जो मासेस थे वो मोबिलाइज करने लग गए और कांग्रेस हार गई। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, फिर लीग ने बोला कि वो खुद को इंडिया के साथ साथ अलग करना चाहते हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट करेगा। जो टॉक्स थे वो फेल हो गए और लीग ने खुद को एक सोल स्पोकन इंडिया, एक सोल स्पोकन बना दिया, सोल स्पोक्स पर्सन, जो अकेला बोलता है मुस्लिम्स में। सो काफ़ी लास्ट मुस्लिम जो थे वो अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, बट काफ़ी लोग जो थे वो इसको लीग को सपोर्ट कर रहे थे। लीग यही चाह रहा था। इलेक्शन जो थे वो फिर से हुए 1946 में और कांग्रेस उसमें उन्होंने ठीक किया, और जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लीग की सक्सेस है और सीट्स काफ़ी रिजर्व होगी मुस्लिम के लिए। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो डिमांड है वो और ज़्यादा प्रेसिस हो गई। और मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट बैठी जिसमें तीन मेंबर सेंट थ्री मेंबर मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन द डिमांड, और उन्होंने सजेस्ट करा कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए इंडिया का। क्योंकि काफ़ी मुस्लिम मेजोरिटी जगह थी, उन्होंने ऐसा बोला कि उधर पर रहने दो उन लोगों को, तो हमने बोला रहने देंगे हम लोग लीग को, बट मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं हम, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स रखी और उन्होंने बोला कि हमें अलग जगह चाहिए, हमें पार्टीशन चाहिए। ठीक है, पार्टीशन अब कुछ भी होगा बट पार्टीशन तो करना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे जब फेलियर हो गया था कैबिनेट मिशन का, तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड करा कि वो मास एग्रीटेशन करेंगे और पाकिस्तान की डिमांड जीत जाएंगे। ठीक है, उन्होंने अनाउंस करा 16 अगस्त 1947 को एज द डायरेक्ट एक्शन डे, और इस टाइम पे राइट्स हो गए कलकत्ता में। ठीक है, काफ़ी सेवरल डेज जो थे उस टाइम पे लोगों की डेथ हुई, हज़ारों लोग मरे, बट मार्च 1947 में वायलेंस जो है वो पूरे इंडिया में फैल चुका था, नॉर्दर्न पार्ट में स्पेशली। काफ़ी मतलब काफ़ी लाखों में उस टाइम पे लोगों को मारा गया और काफ़ी वुमेंस थी जिनको ब्रुटैलिटी फेस करनी पड़ी, मतलब काफ़ी रेप्स वगैरह होने लगे थे उस टाइम पे जब पार्टीशन की बात वहाँ पर आ रही थी। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो थे वो अपने घरों से भाग गए और काफ़ी लोगों का अपनी जो लैंड है जहाँ पर वो शुरू से काम करते आ रहे थे वो छोड़ के एलियन जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, अब पार्टीशन हो गया तो इंडिया भी चेंज होता, सिटीज चेंज होगी और एक नई कंट्री पाकिस्तान का जन्म हो गया। हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस की जो खुशी थी वो साथ साथ में पार्टीशन के दुख के साथ मिक्स हो चुकी थी, और जो वायलेंस हुआ था वो सारी चीज़ों की वजह से दुख और खुशी दोनों थी उस समय पे। ठीक है, सो यस, दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर इन द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। सो यस, थैंक यू वेरी मच।